ओम शांति। हम में से हर एक सोचता है कि अपने मन को पूरी तरह कंट्रोल कैसे किया जाए, और कई बार हम मन पर ज़बरदस्ती भी करने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार नाकाम होते हैं। क्या होता है जब घर में बच्चे पर कभी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है तो क्या होता है? कंट्रोल होता है। अगर बच्चा मान के चलो आप किचन में काम कर रहे हैं, बार बार आपकी तरफ आ रहा है, वो घुटने चलता है या अभी चलना सीखा है, बार बार आपकी तरफ आ रहा है, आप ज़बरदस्ती उसके साथ कुछ करते हैं तो क्या होता है? सिर्फ वो रोता है, चिल्लाता है लेकिन उधर आता है। आप उसे बांध देते हैं तो रुक जाता है, फिर भी खींचने की कोशिश करता है लेकिन कब आना वो रुकता है? जब प्यार से आप उसकी डायरेक्शन बदल देते हैं। सेम वे ये मन जो है ना, ये हमारा बच्चा है। और कहते हैं कि बच्चा, छोटा बच्चा अपने माता पिता के अलावा किसी और के पास नहीं जाता, ऐसा परमात्मा भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जो मन है ना, मेरा बच्चा है, मैं कौन हूँ? आज तक हम खुद को शरीर समझते थे, राइट? शरीर समझते थे खुद को कि मैं ये शरीर हूँ, राइट? जब तक ये ज्ञान नहीं था तो ये शरीर समझ के कहते थे कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। मतलब मन किसका बना दिया? शरीर का। जबकि मन किसका है? आत्मा का। अब पता चला कि मन आत्मा का बच्चा है, शरीर का नहीं है, तो ये बच्चा आत्मा की मानेगा। आत्मा इसकी माँ है। देखो आत्मा, इसके पीछे माँ आता है, राइट? आत्मा मन की माँ है और पिता कौन हुआ? परमात्मा। तो ये मन बच्चा माता पिता के साथ ही रहे, क्योंकि बच्चा तो रहता ही माता पिता के पास है, लेकिन कैसे रहे? अपने मन बच्चे से बड़े प्यार से बात करें। कैसे करें? हे मेरे मन, आप तो बहुत प्यारे हैं। एक बच्चे से कैसे बात करते हैं? आप तो बहुत मीठे हैं, आओ मेरे मन, मेरे पास आओ, तुम मेरे पास रहो। आगे हम अब देखो पूरी तरह इस वक्त मन मेरे पास है, कहीं नहीं है। जब हम मन से बात करते हैं तो मन पूरी तरह हमारे पास रहता है। अब उसे उसके पिता के पास लेके चलते हैं। हे मेरे मन, जैसे एक माँ अपने बच्चे से उसके पिता के बारे में बताए कि आपके पिता अमेरिका में रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत अच्छे हैं, तो बच्चा मिला भी ना हो अपने पिता से तो उनसे कनेक्ट होने लगता है, राइट? तो इसी तरह हे मेरे मन, तुम्हारे पिता बहुत शक्तिशाली हैं, वो परम धाम में रहते हैं, वो प्रेम के सागर हैं, वो हजारों सूर्यों से भी तेज चमकते हैं। हे मेरे मन, चलो अपने पिता के पास। तुरंत उधर देखेगा मन, अपने आप देखेगा, देखिए उस रूहानी चमन को जहाँ आपके पिता हजारों सूर्यों से भी तेज चमक रहे हैं, उनकी किरणें दूर दूर तक फैली हैं। देखो, जाओ उनकी किरणों रूपी भुजाओं में समा जाओ। हे मेरे मन, आपके पिता सर्वशक्तिमान हैं, आप उनकी संतान होने के नाते मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हे मेरे मन, जाइए जाइए उनके पास, उनके पास जाइए। देखो, अब देखो इस वक्त मन अपने माता पिता के पास ही है और कहीं नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से हम अपने मन से बात कर सकते हैं। मन को हमेशा सुख, शांति, प्रेम, आनंद रूपी दूध ही पिलाना है, क्योंकि मन जो इसकी माँ है उसके पास यही है, उसे देने के लिए ओरिजिनली। तो बाकी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जब ये आत्मा इस बच्चे को देने की कोशिश करती है तो मानो बच्चे को पॉइजन दिया जा रहा है, इसलिए बच्चा रोता है, चिल्लाता है, दुखी रहता है। इन चीज़ों को अवॉइड करें और सुख, शांति, प्रेम रूपी दूध बच्चे को दिन भर पिलाएं और उसके पिता से उसे मिलवाते रहें, तो ये मन इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि आप भी खुद कहेंगे वाह, मज़ा आ रहा है जीवन में।
तो चलो 1 मिनट मेडिटेशन, अलर्ट हो बैठे। और मैं आत्मा, इस बच्चे की माँ हूं, मस्तक के बीच में देखे खुद को। हे मेरे मन बच्चे, चलो अपने पिता के पास। आपको पता है आपके पिता सर्वशक्तिमान हैं, जो परलोक परम धाम में रहते हैं, जो अति तेजस्वी तेजो में प्रकाश फैला रहे हैं, जो हजारों सूर्यों से भी तेज हैं। बच्चे देखो रूहानी चमन में वो लाल सुनहरा प्रकाश की दुनिया। देखें उनकी किरणें आपके मन के ऊपर बरस रही हैं। अपने मन को एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखें। देखें आपका मन धीरे धीरे अपने पिता की तरह बन रहा है, शक्तियों से भर रहा है। लाल रंग की किरणें बरस रही हैं। अपने मन से कहें, मेरे मन आप बहुत शक्तिशाली हैं। और फिर वापस मन को अपने पास बुला लें। अब मन अपनी माँ के पास। ओम शांति। इस तरह से कितने अच्छे अभ्यास हो सकते हैं। तो ये आप पूरे दिन में कई बार कर सकते हैं। अपने मन से इस तरह 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 से आप बात कर सकते हैं और उन्हें शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में भी लिखना कि आप किस तरह अपने मन से बात करते हैं। ओम शांति।